आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इन सभी आईपीएल अपडेट्स के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि कल जो मुकाबला खेला गया था चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच में, वो मुकाबला चेन्नई सुपर किंग ने काफ़ी आसानी से जीत लिया। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला जो मुकाबला है वो खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में। इसके बाद में जो दूसरा मुकाबला होगा वो खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेविलियर्स के बीच में। तो पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं, तो पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में शाम को 4 बजे से शुरू होगा, जो कि आप अपने टेलीविजन पर इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में 15 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर ने 9 बार जीत हासिल की है, वही सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 बार जीत हासिल की है। तो यहाँ कोलकाता का थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा, कोलकाता के जीतने की उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। अब इन टीमों की संभावित 11 के बारे में बात करते हैं। तो कोलकाता टीम की संभावित 11 कुछ इस प्रकार है। सुनील नारायण, क्रिस लिन, रॉबिन उथप्पा, आंद्रे रसल, शुभमन गिल, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, शिवम मावी और कार्लोस ब्रैथवेट। बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कुछ इस प्रकार है। डेविड वार्नर, मार्टिन गप्टिल, केएन विलियमसन, दीपक हुड्डा, यूसुफ पठान, रिद्धिमान साहा, विजय शंकर, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसकी राय जरूर दें, साथ में हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।